हेलो गाइस, क्या हालचाल है सभी लोगों के। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई सुमित 007 यानी कि सुमित भाई, इनको भाई सभी लोग तो जानते होंगे और जो जो लोग इनके वीडियो देखते तो भाई उन सभी को पता भी होगा कि ये कोई भी टनल के अंदर होक अटैक स्ट्रेटजी ज़्यादा यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा टनल 10, 11, 12, 13 कोई भी टनल। ओके, और भाई आज के वीडियो के अंदर गाइस हम लोग ट्राई करने वाले हैं उनका एक TH11 का होक अटैक। गाइस ये वीडियो के लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि है सुमित भाई के वीडियो के लिंक। आप लोग वो वीडियो भी इसके बाद जाकर जरूर देखना। हम लोग भाई सुमित भाई ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा आज के वीडियो के अंदर वो अटैक स्ट्रेटजी को कॉपी करने वाले हैं, यानी कि देखते हैं 3-स्टार होता है या नहीं। और गाइस एक और बात की ये एक लाइव अटैक होगा, सो होप करता हूँ तुम लोगों को ये अटैक जरूर पसंद आएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर पहली बार आ रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी रुको, ये रिप्ले मैं आपको फुल्ली नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ये अटैक स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखो यार, आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं थोड़ा ही रिप्ले बताऊंगा फिर मैं आपको डायरेक्ट लाइव अटैक के ऊपर ले जाऊंगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले यहाँ पर जो आप लोग एक बेबी ड्रैगन लेके उससे फनल बनाना है, उसके बाद चारों के चारों आइस गोलेम को डिप्लॉय कर देना है। फिर यहाँ पर फनल बन जाए तो अब आपको अपना पैक का किंग क्वीन और वार्डन को भी डिप्लॉय कर देना है। और यहाँ पर आपको ईगल लेनी है, दोनों के किंग क्वीन लेने हैं और एक बहुत अच्छी वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो मैं कोई रिप्ले यहाँ पर नहीं बताने वाला। ओके, मैं अगर आपको लाइव अटैक दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा। तो चलो गाइस चलते हैं यही बेस के लाइव अटैक पे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लाइव अटैक के ऊपर। गाइस यहाँ पर आप लोग लाइव देखते हैं, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि पहले बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय करना है, उसके बाद यहाँ पर चारों के चारों आइस गोलेम को, फिर विजर्ड से फनल बनाना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर खुद देखना है। गाइस आपके हीरोज और पैक का अंदर जाने चाहिए, इसलिए आपको करना क्या है, पहले सीज मशीन को डिप्लॉय करना है, उसके बाद सभी चीज़ों को डिप्लॉय करना है। और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक रेज स्पेल को यूज करना है, और जब आपकी सीज डिस्ट्रॉय हो यानी कि उसके अंदर से वल्करे निकले या फिर बॉलर निकले, उसके बाद गाइस आप लोगों को सेकंड रेज को भी यूज करना है। और वार्डन एबिलिटी गाइस आपको बिल्कुल बीच के अंदर यूज करना है, जिससे सभी ट्रूप को फायदा हो। ओके, तो यहाँ पर गाइस देखो बहुत ही ओपी अटैक चल रहा है अभी तक। अभी तो हमारी सेकंड रेज स्पेल भी बाकी है, जो कि अब मैं अपने सीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे यहाँ पर गाइस देखो मुझे 30% से ज्यादा वैल्यू यहाँ पर हीरोज के साथ ही, हीरो और यहाँ पर सीज और आइस गोलम के साथ मिल चुकी है। तो यहाँ पर गाइस मैं क्या कर दूंगा, होक को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दूंगा। और गाइस आपको याद रखना है, आपको क्लीन अप करते रहना है, वरना टाइम इश्यू गाइस आपको हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लो यार, यहाँ पर कितनी अच्छी वैल्यू गाइस हम लोग को यहाँ पर किंग क्वीन ने दे दी। पता है आप लोगों को ये हमको इतनी अच्छी वैल्यू मिली क्यों? क्योंकि गाइस हमारे जो सारे हीरो थे वो बीच के अंदर चले गए। ओके, और यहाँ पर दो आइस गोलेम भी थे जो कि जब वो मरे तो उन्होंने यहाँ पर सभी को फ्रीज कर दिया, इससे गाइस हम लोगों को बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई। और भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक फ्रीज स्पेल और एक पॉइजन स्पेल का भी स्वैग करने वाले हैं। सो गाइस मुझे तो ये अटैक स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा ओपी लगी। रियलिटी के अंदर गाइस मैं बात करूँ तो मैं होक यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि होक के अंदर टाइम इश्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन भाई कल मैंने इनका वीडियो देखा था, पुराने वीडियो में कल इनके देखा तो भाई मुझे ये वीडियो भी मिल गया, तो भाई मुझे लगा हमें इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। ओके, तो देखो गाइस अभी भी 1 मिनट 15 सेकंड तो बाकी है, तो भाई हमारा 3-स्टार हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो गाइस आप लोग यहाँ पर खुद देख लो, ये तो बहुत ही ज्यादा इजीली 3-स्टार हो गया, वो भी स्वैग के साथ। तो चलो गाइस अब मैं आपको यहाँ पर लाइव अटैक दिखाता हूँ, एक और अटैक। सो गाइस यहाँ पर हम लोग सेकंड अटैक के लिए आ चुके हो भाई, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले अटैक के अंदर किया था वैसे हम लोग सेम टू सेम बिल्कुल वही करने वाले हैं। और भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट थी, और भाई यहाँ पर 3-स्टार भी हो गया था। देखो गाइस मैंने ये अटैक स्ट्रेटजी से ओनली 2 ही अटैक किए, और भाई दोनों के दोनों 3-स्टार अटैक हुए। तो मुझे लगता है गाइस एक TH11 की एक ओपी अटैक स्ट्रेटजी है, जो कि गाइस मैं वॉल के अंदर भी ट्राई करने वाला हूँ, और हो सके तो मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी कैसे आप लोग देख लो, मेरे सारे के सारे ट्रूप बीच में चले गए थे, यहाँ पर मेरे आइस गोलम थोड़े बाहर भटक गए थे, लेकिन उसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर पता है मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फ्री स्पेल को यहाँ पर यूज कर लिया इन्फर्नो के ऊपर। ठीक है, क्यों यूज किया, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरी चीज को टारगेट कर लिया था, इसीलिए मैंने उस पर यूज कर दिया। और यहाँ पर गाइस मुझे ईगल और क्वीन मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसलिए गाइस यहाँ पर मैंने पहले ही रेड स्पेल डाल दिया, और यहाँ पर जो सीज है उसका डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ पर पहले जितने वैल्यू मिल चुके हैं यानी कि 30% से ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मैं होक का स्पैम चालू कर दूंगा।
और गाइस मुझे लगता था ये अटैक के अंदर मेरा टाइमिंग इश्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा एंड तक जाएगा। ओके, आप लोग खुद देखना, यहाँ पर ये अटैक के लिए ओनली 5 सेकंड बचेंगे और 3 स्टार हो जाएगा। हॉग भी थोड़े मेरे मर गए थे और मैंने क्लीनिंग सूप को यूज कर लिए थे, इसीलिए यहाँ पर मेरा टाइम इश्यू हो सकता था। तो देखो गाइस, अगर आप लोग कोई भी टनल के अंदर हॉग यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी टनल के ऊपर, तो आपको हीलिंग परफेक्ट देनी होगी। देखो यहाँ पर मैंने जायंट बम आया उससे पहले मैंने हीलिंग दे दी, इससे हुआ क्या, मेरे जो हॉग थे उनकी लाइफ फुल हो गई। और यहाँ पर गाइस देखो मैंने फ्रीज भी एक बहुत ही ज़्यादा ऊपरी जगह पर यूज की। तो गाइस आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, अगर गाइस आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो ही यहाँ पर 3 स्टार हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने अटैक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, आप लोग खुद देखना यहाँ पर कितने सेकंड तक अटैक जाएगा गाइस वो देखना, ठीक है। यहाँ पर अभी जायंट बम भी एक जो कि होगा उससे भाई मुझे लगता था 3 स्टार नहीं होगा, 99% होगा, लेकिन भाई यहाँ पर हमारे जो विजय थे और जो 2-3 आचर थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरे अटैक के अंदर है ना जायंट बस घूमता ही रहा। अगर आप लोग जायंट को देखोगे तो भाई वो घूमता ही रहा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर कैसे आप लोग देखो ये अटैक मैंने अभी रिकॉर्डिंग करो तब नहीं किए थे, लेकिन जब मैंने किए थे तब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। अभी यहाँ पर मैं मेरे एडिटर के अंदर मैं यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड को कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 20 सेकंड ही ओनली लेफ्ट है और यहाँ पर देखो जायंट बम फट गया जिससे मेरे 2-3 हफ्ते मरी गए मुझे पता नहीं। सो होप करता हूँ गाइस तुमको वीडियो पसंद आया होगा, गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, जल्दी से जल्दी 7K करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।